हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है एचपी का। मॉडल इसका आप देखोगे बॉटम पे लिखा रहता है 15EY मॉडल है इसका। इसमें प्रॉब्लम क्या है अब हम आप इसको इसकी प्रॉब्लम बता देते हैं कि आप देखोगे इसका स्क्रीन ब्रेक हो गया है। कस्टमर ने हमें बताया है उसने हेडफोन रख दिया था, यूज करते करते रात को वो सो गए और उन्होंने इसको लैपटॉप को नीचे प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रेशर में आके हमारी स्क्रीन क्रैक हो गई है। तो इस प्रकार आप ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है लैपटॉप में। यदि हम स्क्रीन यूज ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो पेन छोड़ देते हैं, पेंसिल छोड़ देते हैं, कोई हेडफोन छोड़ देता है, कुछ भी यदि हम इसके बीच में छोड़ते हैं तो हमारा प्रेशर आएगा स्क्रीन पे और हमारी स्क्रीन खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को यूज करें। तो हम आपको दिखाते हैं इसकी स्क्रीन हम कैसे चेंज करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आप देखोगे पूरी ये जो आईपीएस स्क्रीन होती है इसमें 15 छह आईपीएस लगी हुई है, 30 पिन और पूरी टेपिंग होती है इसमें। आप देखोगे किस प्रकार की टेपिंग होती है, ये आप देखोगे इस पे टेपिंग होती है पूरी स्क्रीन पे, कहीं पे स्क्रू वगैरह नहीं होता है। और ये टेप ही हमें खींच के निकालनी होती है जिसपे ये हमारी स्क्रीन टिकी चिपकी रहती है। बहुत ही हल्की सी होती है ये आईपीएस स्क्रीन होती है, देखोगे पूरी टेपिंग इसकी ऐसे ही हमें खींच के निकालनी होती है, पूरा टेपिंग होता है ये इस प्रकार हमारी स्क्रीन यहाँ से हट जाएगी। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं और हमारा लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने का सक्सेस रेट 80-90% तक है। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है या कोई मदरबोर्ड है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं। अब हमने लैपटॉप की स्क्रीन से टेप को पूरी तरीके से हटा लिया है और टूटी हुई स्क्रीन को लैपटॉप से डिसकनेक्ट कर दिया है। अब हम इस लैपटॉप में न्यू स्क्रीन को लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि हम न्यू स्क्रीन को लगा रहे हैं। नई स्क्रीन को लगाने के बाद हम लैपटॉप को पूरी तरीके से बंद नहीं करेंगे, बल्कि पहले चेक करेंगे कि लैपटॉप में डिस्प्ले ठीक से आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही लैपटॉप को पैक किया जाएगा। इस लैपटॉप में स्क्रीन को पैक करने के लिए कोई स्क्रू नहीं होते हैं, हमें इसे टेप के थ्रू ही पैक करना पड़ता है। ये आप देखोगे हमारा डिस्प्ले ओके हो गया है। आपके पास भी यदि कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की स्क्रीन हो, आईपीएस हो, नॉर्मल हो, 15-6-30 पिन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी स्क्रीन हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स हर प्रकार के लैपटॉप की स्क्रीन रखते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिल रही होगी वो सूरज कंप्यूटर्स पर मिल जाएगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।